जब आप सेना के जवानों को देखते होंगे तो जाहिर है आपको इन वीर सपूतों पर गर्व होता होगा। सेना के हाथ में हमेशा देश की हिफाजत के लिए बंदूक रहती है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये वीडियो जम्मू कश्मीर से आया है, जहां भारतीय सेना दिल्ली के एक एनजीओ के साथ मिलकर उन लोगों की मदद कर रही है जिनके पैर और हाथ दुश्मनों की गोली से अपाहिज हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सेना एनजीओ के साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए मुफ्त में कृत्रिम पैर लगा रही है। यहाँ पे सर दिल्ली से एक एनजीओ आई है जो कि आर्टिफिशियल लिम्स की मेजरमेंट कर रही है। यहाँ 16 गढ़वाल की मदद से यहाँ पे बुलवा के जो हमारी मेजरमेंट करवा रहे हैं ये। हम इनका जो है दिल्ली से जो एनजीओ आई है यहाँ के 16 गढ़वाल का नहायत ही तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को जब दिल्ली में या श्रीनगर में जाके टांगे बनवानी पड़ती थी और हमारा बहुत खर्चा होता था, वो काम हमारा जो है वो यहाँ नाटू बेस के अंदर हो रहा है। वहीं एक अधिकारी ने बताया, हम लगभग 35 साल से देश के अलग अलग इलाकों में फ्री आर्टिफिशियल अंग देते हुए आए हैं। जब हम यहां बॉर्डर एरिया में आए तब हमने देखा कि बम के धमाके के साथ ही लोगों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं, इसलिए हम सुनने की क्षमता सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया पर्टिकुलरली जब यहां आ रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं लोगों के कान फट जाते हैं बॉम्ब के साथ, तो उस पर भी काम हो रहा है, काफी आगे चला गया। कोशिश कर रहे हैं कि जो हाथ होते हैं अब हम हाथ जो देते हैं वो पकड़ सकता है, अच्छी तरह से उठा सकता है, मगर वो हम अमेरिका के साथ और IITs के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि मिरर इमेज इसका 3D डायमेंशन के साथ कंप्यूटराइज के इस हाथ को भी इस हाथ से कॉपी कर लें। इस कैंप में आए लोगों ने भारतीय सेना और एनजीओ को धन्यवाद दिया। भारतीय सेना सिर्फ देश की ही सुरक्षा नहीं करती बल्कि जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोगों की भी लगातार मदद करती है। वाकई भारतीय सेना हमारी शान है और यही तो है देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।